डीपी के आदेश पर पटना के अब सभी थानों में मौजूद रहेंगे थानेदार। पटना जिला सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले आम जनता को देखते हुए बिहार डीजीपी के द्वारा अहम फैसला लिया गया। बता दें कि पटना जिले के थानों में आने वाले आवेदकों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, उनकी ओर दिए गए आवेदन पर पुलिस कार्रवाई जल्द से जल्द करे। इसे लेकर पटना SSP राजीव मिश्रा ने एक आदेश जारी करते हुए पटना के जिले के सभी थानों में अब 2 थानेदार प्रतिनियुक्त करने का आदेश दिया गया है। वहीं राजीव मिश्रा ने बताया कि पटना पुलिस को और पारदर्शिता, आम पब्लिक से अच्छा समन्वय व्यवहार बिहार के पुलिस महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी के आदेश पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। जल्द ही पटना के सभी थानों में एक अतिरिक्त थाना अध्यक्षों की बहाली की जाएगी। इसके अलावा चौकी अतिरिक्त थाना अध्यक्ष अनुपस्थिति में थाना अध्यक्ष के सभी उत्तरदायित्व का काम भी थाना अध्यक्ष करेंगे। उनके द्वारा बताया गया कि जिले के सभी थाने में मौजूद 2 थानाध्यक्ष उस आवेदन की प्राप्त पीड़ित व्यक्ति को पुलिस द्वारा आम लोगों से मिलने वाली सभी सुविधाओं को जल्द से जल्द अच्छा समन्वय बनाकर उपलब्ध कराएंगे। पटना SSP राजीव मिश्रा के द्वारा ये भी कहा गया कि किसी कारणवश थाने के अध्यक्षों को ये लगा कि आवेदन पर तत्काल प्राथमिकी अंकित नहीं की जा रही है, तो इस संबंध में आवेदनकर्ता को अवगत कराते हुए सही जानकारी देना होगा और समय सीमा के अंदर निर्णय लिया जाएगा। संतोष कुमार अंजना, स्टेट हेड की खास रिपोर्ट। पुलिस को उत्तरदायी बनाने हेतु पुलिस महानिदेशक बिहार के निर्देशानुसार कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस संबंध में पटना के सभी थानों में एडिशनल SHO का पदस्थापन किया गया। एडिशनल SHO थाना अध्यक्ष की अनुपस्थिति में थाना अध्यक्ष के सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति अपना आवेदन लेकर थाना में आता है तो सभी थाना अध्यक्ष अनिवार्य रूप से उसको आवेदन की प्राप्ति उपलब्ध कराएंगे। यदि आवेदक द्वारा दिए गए आवेदन पर प्राथमिकी अंकित की जाती है तो उस प्राथमिकी की प्रति भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। यदि किसी कारणवश थानाध्यक्ष को यह लगता है कि आवेदन पर प्राथमिकी तत्काल अंकित करना उचित नहीं है तो इस संबंध में आवेदक को अवगत कराते हुए विधि द्वारा निर्धारित समय के अंदर उनके द्वारा उस पर निर्णय लिया जाएगा और उस निर्णय को आवेदक को सूचित